बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, उसे मैं शुरू करने जा रहा हूं। मॉड्यूल 4 में 2-3 बातें ऐसी हैं जो मॉड्यूल 3 में ऑलरेडी बताई जा चुके हैं, फिर भी हम शुरू करते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसा कि हमने बताया था आपको कि रैंडम वेरिएबल जनरली 2 तरह के फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, डिस्क्रीट टाइप और कंटीन्यूअस टाइम। मैंने अपने तीसरे लेक्चर में आपको, तीसरे मॉड्यूल में आपको हमने ये बात बताया था। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन, दिस इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन दैट एसोसिएट ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू With every outcome for an experiment। अब आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी। जैसे जब कभी हम पासा फेंकते हैं, आपने पासा लूडो खेला होगा, लूडो हम खेलते हैं, हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर बार हमने फर्स्ट टाइम लूडो जब हमने फेंका तो ये पाया, 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया। तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन दैट एसोसिएट ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू विथ एवरी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल वैरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल एज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। अगर हम उसी लूडो को बार बार फेंकते रहते हैं तो एवरी ट्रायल में जो रिजल्ट आता है वो बार बार हमारा क्या आता है, अलग आता है। आपने ये पाया होगा, बार बार वो रिजल्ट जो है वो अलग आता है। अब हमने बताया था आपको कि यह क्वाइन टॉस करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लें, क्वाइन टॉस करते हैं। तो आपको ये आपने देखा होगा कि क्वाइन टॉस करने के दौरान जो, अगर क्वाइन हम 10 बार टॉस करें तो उसमें जो वैल्यू होगी वो कभी हेड आएगी कभी टेल आएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे वो 0 से लेकर 10 तक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 होंगे। जब इस तरह की, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे डिपेंड हो, तो जैसा बताया जा चुका है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं, इस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। हमने बताया कि रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और अगला हम बताएंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? इफ ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू देन इट मस्ट बी अ डिस्क्रीट। दूसरा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर यूजुअली काउंट, मतलब दिस वेरिएबल इज यूजुअली काउंटेबल। ए डिस्क्रीट रैंडम थर्ड डेफिनेशन है, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज वन विच मे टेक ऑन ओनली ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू सच एज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। प्रीवियस में हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि px इज इक्वल टू, हमने लिया था इज इक्वल टू 1/2 to the power x, जहां x की वैल्यू को हमने 1, 2, 3, 4 के लिए डिफाइन किया था कि वो फंक्शन इन एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट वन बी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज वन विच टेक्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, मीन्स यदि हम फंक्शंस ले लें fx इज इक्वल टू 1/2 to the power x और x को वेरी करा दें -∞ to ∞, तो ये हमारा होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब अगला कंटेंट जो इसमें आएगा, यूज, ये सारे कंटेंट यूज किए जाएंगे वर्डिंग में। अगला कंटेंट होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिस इज इक्विवेलेंट, ये भी बताया जा चुका है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के दौरान हमने जो आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ई ऑफ समथिंग बताया था,
ई ऑफ, हमने लिखा था ई ऑफ ई टू द पावर एक्स, मीन्स ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने ये भी बताया था आपको कि डिस्क्रीट के लिए ये समेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है और कॉन्टिन्यूस के लिए ये इंटीग्रेशन की तरफ बिहेव किया जाता है, मीन्स समेशन साइन इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहां वही मैंने एक्सप्लेन किया है, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिस इज इक्विवेलेंट टू द प्रोबेबिलिटी वेटेड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। If x is a discrete random variable with possible outcome x1, x2, x3, x4, xn, then expected value be summation expected value. Here expected value x is equal to summation of xi p xi. ये बताया जा चुका है. If x is a continuous random variable, this summation is replaced by sign of integration. And the limit of integration may be vary from by the definition of the fx. fx जिस x के लिए vary करेगा वो उसकी limit होगी. x minus infinity to infinity vary करेगा तो यह minus infinity to infinity होगा. ये इससे पहले बताया जा चुका है. अब अगला है, इस पे example देख लेते हैं. In rolling a die, the probability density function of a number on die x will be probability density means आपने डाई को रोल किया, उसके आने की प्रोबेबिलिटी वो उसपे वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव सिक्स, दिस इज द रैंडम वेरिएबल, ये आ सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रत्येक दशा में वन बाई सिक्स ही होगा. सिंबोलिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स कैन बी टेन पी ऑफ एक्स is equal to 1 by 6 for every x 1 2 3 4 5 for every random variable x 2 1 2 3 4 5 6 this is a constant 1 upon 6. Now consider the second example. When an identical die is drawn find the expected value. Expected value means the summation, the expected value of expected option is summation of this where x represent the outcome. The solution will be like this. Here and each of the outcome 1, 2, 3, 4, 5, 6 occurs with probability 1 by 6. In previous example you have seen. Thus the probability distribution of x will be probability distribution. ये आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि प्रत्येक आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 बाई 6 होगी. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इससे पहले आपको दिखाया जा चुका है. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ समेशन एक्स आई, एक्स इज अ पी एक्स आई इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वेरिएबल, दिस रैंडम वेरिएबल. सो नाउ from here expected value is just x px is a 1 into 1 upon x, means after open the summation we will get this result 1 into 1 by 6, 2 into 1 by 6, 3 into 1 by 6, 4 into 1 by 6, 5 into 1 by 6, 6. So after solving this we will find that expected value be 3.5. okay, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे. तो अभी इस लेक्चर में आपने क्या समझा कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं और रैंडम वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, जिसमें आपने ये देखा कि रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट टाइप और कंटिन्यूस टाइप, और दोनों फंक्शन के लिए, दोनों वेरिएबल्स के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगले लेक्चर में हम ये बताएंगे कि इस पे बेस्ड हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट टाइप फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करते हैं और डिस्क्रीट टाइप वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस टाइप वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करता है. थैंक यू.